बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत टेस्टी, मुंगा हलवा बहुत टेस्टी है। पनीर वाले छोले भटूरे, पनीर वाले छोले जी, उसके साथ पिंडी वाले छोले जो दिल्ली में चलते हैं, ठीक है, चार तरह का चार। और यहाँ पे मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ आप सभी को, जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं इस बार मेले में, प्लीज अपने साथ कैश लेके आए, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, जियो की सिम में तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को अपने जहन में रख ले कि जब भी आप यहाँ आए किसी भी चीज़ के लिए, खाने के लिए, झूलों के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनप्लांट ट्रिप्स पे। मैं राहुल कोटा राजस्थान से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। और आज है दशहरे का दूसरा दिन और दशहरा चल रहा है अपनी फुल पावर से। अभी हम खड़े हैं वो है फूड कॉर्नर, और यहाँ पे कई सारी दुकानें लगी, कुछ फेमस दुकानें जैसे कि हमारे पीछे अमर पंजाबी ढाबा, मेरे जस्ट इसी के साइड में लगा हुआ है जय जिनेंद्र कोलारी। अगर किसी भी भाई या बहन या कोई भी अगर आप आते हो और किसी का व्रत है तो उसके लिए बेस्ट डील रहेगी इस बार यहाँ पे। और इसी के जस्ट सामने नसीबाबाद का कचौड़ा, और भी कई सारी शॉप्स लगी है। और इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ ऐसी शॉप्स को भी दिखाने वाले हैं जो कि बार 2022 में इस दशहरे मेले में इंट्रोड्यूस हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अमर पंजाबी ढाबा। उसके बाद आपने देख लिया होगा, अभी हमने अमर पंजाबी का पूरा टूर करा दिया आपको। कोविड के बाद से थोड़ी सी प्राइस हाइप हुई है, जो पहले 120 का था अभी 170 180 हो चुका है। खैर वो बनना भी था, आप भी जानते कि महंगाई बढ़ चुकी, तो हर जगह महंगाई थोड़ी सी मिलने वाली इस बार 2022 के मेले में। और तो फाइनली हम आ चुके हैं महेश्वरी कैटर्स एंड फूड्स पे, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस पूरे मेला प्रांगण में जितनी भी शॉप्स लगी है खाने से रिलेटेड, उन सबसे अच्छी डेकोरेशन और यहाँ की जो साफ सफाई है मुझे इसी की लगी हुई है, मेरा पर्सनल मानना है। आप आकर के देख सकते हैं। तो चलिए अंदर से फूड वॉक कराते हैं आपको, आ जाइए। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा स्वीट कॉर्नर, स्टार्ट हो जाता है मूंगा का हलवा, सेकंड पे आ जाता है हमारा गुलाब जामुन, थर्ड पे है रसमलाई। तो यहाँ से स्टार्ट होता है इटालियन, और इसमें आ जाता है हमारे पास पास्ते, दोनों व्हाइट एंड रेड पास्ता, और साथ में यहाँ पे पिज्जा। और इसके जस्ट इधर आते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है हमारा फास्ट फूड वाला काम, ये है आलू टिक्की, और इसके जस्ट पास में है राज कचौरी, शानदार लग रही, बड़ी जबरदस्त लग रहा है यहाँ पे स्पोर्ट उसके जस्ट पास में है पाव भाजी, यहाँ पे है पाव भाजी, भाई लोग बढ़िया जबरदस्त पाव भाजी खा रहे हैं अभी। और जस्ट यहाँ पे है हमारा क्या बन रहा है, डोसा, पनीर मसाला डोसा, और यहाँ पे पनीर मसाला डोसा और शेजवान डोसा मसाला डोसा, तीनों बन रहे एक साथ। और फाइनल लास्ट में आ जाते हैं हमारे दिल्ली वाला भिंडी चोला। तो सर एक बार आप ही बता दो जी सर, क्या क्या है यहाँ पे? सर यहाँ पे छोले भटूरे, ठीक है, पनीर वाले छोले भटूरे, पनीर वाले छोले जी, उसके साथ पिंडी वाले छोले जो दिल्ली में चलते हैं, ठीक है, चार तरह का चार, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अपना तीन चार तरह का डोसा, शेजवान डोसा, मसाला डोसा, डोसा, हाँ, ये सब कारीगर दिल्ली से, सारे दिल्ली से आए, ठीक है। पाव भाजी, पाव, ये दिल्ली की पाव भाजी है, ये सारे दिल्ली से आए आप जी? ये टोटल स्टाफ मेरा पूरा दिल्ली से है। और आपका क्या नाम है सर? कमल कुमार शर्मा, कमल कुमार शर्मा जी। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स है भैया का, मैं काफी सारी शॉप्स पे गया हूँ, मैं अमर पंजाबी पे गया हूँ, उसके बाद हम नसीराबाद पे गए, काफी जगह गए, पर इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स। और ये बोलने की बात नहीं, आप खुद देख लो इसका डेकोरेशन, और यहाँ के खाने का तरीका, और यहाँ के कुछ हैप्पी कस्टमर्स की कुछ बातें सुनते हैं। चलिए कैसा लगा? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत टेस्टी। तो ये था महेश्वरी कैटर्स का खाना खजाना यहाँ पे। तो अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पे, बाकी यहाँ का जो स्टाफ है माइंड ब्लोइंग है, वाकई में काफी सपोर्टिंग है, जैसे मैंने पहले ही बोला। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सर, ओके सर, ओके, धन्यवाद, ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट शॉप पे। अभी हम जितनी भी बात करेंगे यहीं पे खड़े होकर के करेंगे, क्योंकि नीचे जो है बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, प्लस लाइटिंग कम है, इस वजह से मैं यहीं से टूर कराऊंगा। और अब हम चलने वाले हैं जिनेंद्र फलारी पे, तो चलिए चलते हैं।
जस्ट अभी हमने जे जनरल फलारी का पूरा टूर करवा दिया। जितने भी भाई लोग इस बार व्रत रखने वाले हैं उनके लिए बेस्ट डील होने वाली है। यहाँ पे काफी रीजनेबल रेट लग रही है, कुल्हड़ लस्सी 50, केसर पिस्ता 50 वगैरह, 500 के बीच में ही दिख रहा है मुझे सारा यहाँ पे जितना भी है। और अब हम जाने वाले हैं सामने नसीराबाद का कचौड़ा, वहाँ पे जाकर के बनाने वाले वीडियो, तो चलिए चलते हैं। कितने रुपए किलो है ये? 100 रुपए का 250 ग्राम। 100 रुपए का 250 ग्राम, मतलब 400 रुपए किलो, 400 रुपए किलो हो गया। और ये पूरा एक कितने का होता है गोला? करीब 600-700 ग्राम वजन होता है। 600-700 ग्राम वजन होता है। तो ये कुछ है नसीराबाद का कचौड़ा, इसकी मेकिंग दिखाते हैं आपको। तो ये कुछ था नसीराबाद कचौड़ी का स्टॉल, और अभी हम जाने वाले इसके आगे दूसरे जितने भी नए स्टॉल्स लगे उनको आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही दिखाएंगे आइसक्रीम से रिलेटेड जो शेरे पंजाब और भी जो लोकल आइसक्रीम वगैरह लगी है उनको भी हम आपको दिखाने वाले हैं। चलिए चलते हैं। तो अभी हम जाने वाले शेरे पंजाब पे, और अभी मेरे साइड है मोहन चाट सेंटर, ये मेरे जस्ट पीछे इधर है सीमा चाट सेंटर, काफी सारी स्टॉल्स लगी इस बार। और ये कुछ है शेरे पंजाब, ये मेरे पीछे, चलिए इस पे चलते हैं। फाइनली हम पूछ गए हंग्रीज में, और ये कुछ इसका सेटअप है हमारे पीछे, कैसे सेटअप रहा, बड़ा ही शानदार सेटअप है इसका भी। तो फाइनली हम पहुंच गए हंग्रीज में, और ये इस साल 2022 दशहरा मेला में फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा सेटअप लग रहा है मुझे यहाँ पर देख करके। जो देखिए इस टाइप का कुछ सेटअप है, इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेज भी है, पीछे जनरेटर चल रहा है शायद उसकी आवाज़ आ सकती है। तो ये कुछ है यहाँ की ब्रांचेज जहाँ पे ये हंग्रीज आपको मिल जाएगा, और अभी हम उन्हीं के ओनर से जाकर के बात करते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ दे रहे हैं, क्या कुछ सर्व कर रहे हैं हमें, चलिए इनसे बात करते हैं। तो ये हंग्रीज के ओनर, तो इन्हीं से पूछ रहे थे क्या कुछ दे रहे हैं इस बार। नमस्कार सबको, हम बिलोंग करते हैं हरियाणा से, हमारी 12 ब्रांचेज हैं हरियाणा में, यूपी में, उत्तराखंड में और पंजाब में, और मैं फर्स्ट टाइम कोटा में, हमने यहाँ पे अपना सारा स्टॉल लगाया हुआ है, और यहाँ पर हम इटालियन एंड चाइनीज क्यूजिन प्रोवाइड कर रहे हैं सबको। यहाँ पे हमारे में स्पेशलिस्ट की जो हम जो बेस्ट कि यहाँ पे ओवन जो जो डोमिनोज एंड जो पिज़्ज़ा डोमिनोज ओवन यूज़ करते हैं वो हमने यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और बेस्ट क्वालिटी का पिज़्ज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं, और जेन्युइन प्राइस में, ये हमारा मेन्यू है सर यहाँ पर। तो भैया अभी हमें कार्ड दिखाने वाले हैं, क्या कुछ प्राइस है, भैया बोल रहे हैं कि जेन्युइन प्राइस रखी गई है इस बार यहाँ पे। तो ये कुछ प्राइस लिस्ट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ था फूड टूर दशहरे मेले का, और यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ आप सभी को, जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं इस बार मेले में, प्लीज़ अपने साथ कैश लेके आए, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, मेरी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मैं खा के कुछ नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ भी जाकर के स्कैन करने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे ये स्कैन नहीं हो पा रहा है, खासकर जियो की सिम में तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को अपने जहन में रख लें कि जब भी आप यहाँ आएँ किसी भी चीज़ के लिए, खाने के लिए, झूलों के लिए, कुछ भी, इस पूरे मेला प्रांगण में कहीं भी नेट की सुविधा उपलब्ध नहीं, बहुत डिस्टर्ब है नेट। तो ये कुछ था फूड ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और मिलते हैं इसी तरीके किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।